आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के मधेपुरा में है और मधेपुरा का नजारा किस हिसाब से है और देख रहे हैं कि मधेपुरा में 7 तारीख को वोटिंग होना है और वहां पे प्रत्याशी सब बहुत अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। हम जा रहे थे अभी, हम जो भटगामा में पाखर गाछ के सामने मिल गया कुछ पब्लिक है, पब्लिक से जान लेते हैं। पब्लिक यहाँ पे बैठा, ठंड गर्मी धूप है, जो धूप के मौसम यहाँ गाछ के पास बैठता है। हम लोग आए इसी रूट से जा रहे थे, जानते हैं आखिर यहाँ का रुझान क्या है, पब्लिक का मूवमेंट क्या है, आखिर किनको पब्लिक वोट करेगा और कौन करेगा मधेपुरा विकास, इन लोग से जानते हैं। चचा अपना की नाम चाहिए? कैलाश यादव। कैलाश यादव, ककरा आपके पास सांसद बने अपने मधेपुरा के? आरजेडी को। आरजेडी को, हाँ। तीर वाला भी है चचा? हाँ, दो तीर वाला, तो ढेर दिन उसमें से तीर वाला कल के ढेरी काम कल के हम बहुत काम कर के देखी रहे छे, बहुत काम कर के आरजेडी एक बने। आरजेडी बनेगा आप पक्का? एकदम बोली लो पक्का बनेगा आरजेडी बनेगा। हाँ की चचा अपने की नाम छिके? धीरेन्द्र चौधरी। धीरेन्द्र चौधरी, तो आपके बार केकरा सांसद बनेबे अपने मधेपुरा से? चंद्रदीप यादव को। चंद्रदीप, हाँ। आरजेडी। आरजेडी दिनेश यादव जे छे ओ उड़ा देखा लिए बहुते, मैं कल के ढेरी रोड बनल के पुल के हम बने छ कहीं देने छे कहीं रोड देने छे वहां, तब कैसे होते? मैं कल के हम अच्छा ढेरी काम कर लिए 5 साल में, देखते दर्शेते कि कौन कौन काम कर लिए। आपकी बार केरा आपके आरजेडी का की लगे छे? आरजेडी के यहाँ सांसद बनते विकास होता अपना मधेपुरा में? पूरा विकास होते, विकास करे वाला युवक छे। एहनो नहीं ना कि अपना अथी कही वोट दे रहलो छे हमरा जाति के? नहीं नहीं नहीं, जाति दे दिनेश, दिनेश यादव भी जातीय छे की इसलिए वाला देने नहीं छे। की नेता जी अपने मुरठा हड़का बांध के खड़ा चित्र आ गया अभी अपने, केकरा आपकी बार केकरा बनेबे सांसद? हम सांसद बनाएंगे चंद्रदीप यादव को, काहे कि विद्वान आदमी है, इसका खानदान विद्वान है, बरसों से इसका पूर्वज पटना दिल्ली में रह चुके हैं, ये भी पटना का प्रोफेसर है, इसलिए इस पे उम्मीद ज्यादा है। आखिर इसको ही क्यों करेंगे वोट आप लोग? विकासशील है, पहले से था, अभी भी आशा भी करते हैं, तमाम मधेपुरा की जनता उम्मीद से चलता है, परिवर्तन का लहर है, तो इसी को वोट कीजिए, इसी को वोट करेंगे। दिनेश यादव वो ब्लॉक, हम भी आपके मधेपुरा में 5 साल बहुत अच्छा काम किए हैं, काम किए हैं, जो भी किए हैं हम लोग तो नहीं जानते हैं, कागजे पर किए होंगे, बोला अच्छा काम किया आपके क्षेत्र, कहीं नहीं दिखता है काम, बोला कि आपकी बार सांसद बन गए, जो भी बचा खुचा काम वो भी कर देंगे। बचा खुचा बनेगा तब न करेगा, जनता जो वोट देगा उसको तभी है न, जनता आपकी बार फैसला ले लिया है। चंद्रदीप को ही जीता, बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दा है, मगर देना है तो चंद्रदीप को ही देना, चंद्रदीप को ही देना है। तो क्या लगता है चंद्रदीप जो एकदम सबका आशीर्वाद उसके साथ है, इसलिए फोटो निकलना जरूरी है। उनका चुनाची जानते हैं क्या? लालटेन छाप है एक नंबर पे, यो देखिए इन लोगों को इतना पता है कि लालटेन छाप एक नंबर पे, एक नंबर पे। इतना उनका मतलब हो गया, आप चंद्रदीप यादव कितना बड़ा फैन हो गया आप लोग ने? फैन हो गए। हाँ तो क्या लगता है, अच्छा ये को बात बताइए, चंद्रदीप यादव अगर जीत जाएंगे आपके में मधेपुरा से, क्या लगता है रोड जितना पुल पुलिया बचल है काम होगा? जीतने के बात जो है जी, सबसे पहले वो बड़ा बड़ा काम करेगा, बड़का काम करते करते धीरे धीरे गांव प्रवेश करेगा। अच्छा गांव में भी काम करेगा। मगर आप लोग इतना दिल से बोल रहे हैं उन्हीं को वोट करना? हाँ हाँ, दिल से। नहीं, कितना आदमी तक ऊपर देख के वोट देता है? हम लोग कोनो जुमला पार्टी नहीं है ना, हाँ। कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जितना बोलो झूठ पे झूठ बोलते रहो, जनता को ठगते रहो, जुमला पार्टी नहीं है। आरजेडी को देना ही वोट, देना ही देना है। की चाचा आपने तो केरा सुगर आपकी जीते बे? चंद्रदीप। हां चंद्रदीप यादव का, चंद्रदीप कह जीते बे? हां। तीर वाला भी जे? तीर वाला तो देख लिए ओरा दो, अपने देना चाहिए आपकी बार नहीं देना। की चाचा अपना की नाम छिके? अनिल यादव। अनिल यादव जी हां, यहां मतलब कंची कर जब सब खड़ा होके हम सब आरजेडी के प्रचार कर वास्ते अपने सब एलो छिए, त हम सब सपोर्ट कर रहल छिए, मतलब आरजेडी के वोट देना जी। हां आरजेडी के ही। तीर वाला भी जो बगल में रहन दिया, 5 साल खूब देखी रहल छिए, यहां ओकरो कोई आदमी चिंता नहीं छै ओकरा कि दिनेश बाबू छिए या नहीं छिए। त नै छी, नै छी चाचा, एक बात बताइए अपना सब नै छी नै छी, कि जीती केना गेले में? के जीती गेले? वही ना जीती गेले, बार गुण हवाई उड़ी गेले, चली गेले, अब हम जीता दे। हां जीती गेले। अब की बार की लगे बदलिए दे ओकरा? पूरा बदली से बच्चा बच्चा हम बोल रहा है यहां का कि तुम बदलाव करना है, बदलाव करना है, बदलाव करना है।
मतलब बादल लाग हम तूफान बह गया है। हाँ। हाँ। चंद्रदीप जी चंद्र जीतेगा। अच्छा की भैया अपना युवा सब छे बताइए केरा वोटिंग करवे आपकी बार जे अपना सत्य आरजेडी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को क्या लगता है भैया तेजस्वी यादव के जो संसद बनेंगे आपके मधेपुरा में युवा सबको रोजगार मिलेगा पूरा विकास होगा धरती पे जो आदमी को खून होना चाहिए वही खून होगा फिर अब की बार। हाँ। हाँ। इतना दिन तो भूले भटके थे। हाँ। अब की बार लेकिन आरजेडी का फैन हाँ। पूरा दुनिया बिहार बोल रहा है और काम होगा 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 की चाचा है ना अभी अपना सब ककरा आपकी बार बनते है संसद लालटेन साहब का बोल देना लालटेन साहब का एक साल सब जीती गए दिनेश बाबू उधर आ गए दिनेश बाबू कल के आपकी बार फेर एबे न मुसवाक बीज भी बंद नहीं करना है मुसवाक खाना है ओकरा नहीं तो मुट्ठी में मट्टी तक बरबर करना है दिनेश कोई चीन है छोकरा दिनेश यादव कल के अगर आपकी बार जीतबे नहीं हम मत यहाँ से तो अपना यहाँ यहाँ से खोली देते डायरेक्ट भवन वहाँ तक ट्रेन स्टेशन बना देते हैं बनते है तब न अपनी बनते कुछ करते हैं कुछ नहीं कर सकते नहीं करने से नहीं करते हैं नहीं जीतते नहीं कुछ करते हैं की भैया अपना सब युवा छे मतलब की करबे आपकी बार संसद के ग्राम बनी बजी विकास करते ओनली आरजेडी आरजेडी तीर वाला कहाँ जाएगा भैया कहीं जाए लेकिन आरजेडी को वोट देना है। हाँ पक्का पक्का मतलब देखिए ऐसा नहीं कल आया था आपके चौसा में कुछ हुआ हवा उड़ा के चल गए थे ऐसा कोई बात नहीं आरजेडी ही जीतेगा आरजेडी जीतेगा 100%। अच्छा चंद्रदीप दिनेश यादव बोला हम भी काम किए हैं कुछ वो नहीं किया हम लोग ने देख वो नहीं किया अभी तक नहीं पहचानते हैं हम लोग नहीं पहचानते हैं तो कैसे जीत जाता है वो जीत गया एकदम। हाँ बोला क्या आपकी अगर हम जीतेंगे ना युवा सबको रोजगार देंगे बेरोजगार रही नहीं रहने देंगे कुछ नहीं दिया अभी तक। हाँ। अभी सीधा तेजस्वी जीतेगा रोजगार मिलेगा गारंटी आप लोग 100% तेजस्वी जीतेगा 100% मधेपुरा जीत रहा है। हाँ। चंद्रदीप यादव एक युवक था आपके चौसा में कल पूछ रहे थे वो बोला की अगर तेजस्वी जीत जाकर हम लोग का बीओ हो जाएगा सही बात बोला नौकरी दिया मास्टर वाला सब बुढ़ा रहा था शादी शुदा वाला अपने सब शादी कर रहा है शादी कर रहा है की भैया अपना सब देख ककरा जीते आपकी बार लालटेन छाप जी तीर वाला भी है तीर वाला हमारा गांव के लिए कोई काम नहीं कर लके गांव में एक एटीएम चाहिए एक बैंक चाहिए कोई विकास नहीं कर लके चंद्रदीप यादव के देवे वोट एक एटीएम और बैंक हिनी गछने छे हिनी देते ये लेके हम लोग चंद्रदीप यादव को वोट देंगे। अच्छा अच्छा पूरा हम लोग का सपोर्ट है सपोर्ट रहेगा जी पूरा मतलब चंद्रदीप यादव अगर जीत जाते हैं आपके मधेपुरा क्या लगता है आपके विकास वकास होगा आपके गांव जी जरूर जरूर विकास होगा जो जमीनी विकास है वो होना चाहिए जी युवा सबको रोजगार मिलेगा जरूर मिलेगा। हाँ ऐसा नहीं तो बोल दिया ऐसे बोल के चल गया जी नहीं। हाँ 17 महीनों में आप लोग देखे कि 5.5-4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला हर सेक्टर में वैकेंसी आया आशा फलना चिल्ला सबका जो है कि वेतन बढ़ाया गया आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ाया गया तेजस्वी भैया विकास पुरुष हैं उसी को हम लोग सपोर्ट करते हैं जी। जी चाचा अपना सब बताइए आरजेडी ने तीर वाला भी है तीर वाला चली गई हवा तीर वाला हवा कहाँ चली गई हम निकल गए। हाँ जी चाचा अपना सब केकरा देबे आपकी बार वोट आरजेडी का हाँ चंद्रदीप यादव तीर वाला भी है दिनेश यादव तीर वाला के चिन्है छे तीर वाला तो दल बदलू छे ना पलटी मारते मारते 10 बेर पलटी मार लगे ये गांवों में आरजेडी के रोड छके जी ये आरजेडी के रोड पर लोग बोले रोड कहिया आरजेडी बनवा दल के बनवा दल के मनोज झा जो है आरजेडी का वही बनवाया है रोड अपने फंड से तो दिनेश यादव 10 साल से क्या कर रहा है बोला ढेरी बना ले रोड से कहां में कल के सगरे मधेपुरा कहीं न एकदम जीरो चिन्हबो नहीं करता है उसको लोग क्षेत्र में कि दिनेश यादव का रंग रूप आकार कैसा है। अच्छा अच्छा एक बताए अच्छा अपना उम्र कितना होता है 65 साल अपना तो एक बार वोट कर लो जीती के नगले पर जीती गेले आईबीएम के ओर फेर करे छे मोदी सरकार के तो मां ओर फेर में जीते छे नै जीती जाय छे तब आपकी की लगे छे ओरा बदली दे हां यापरी बदली देबे ईवीएम का। अच्छा हां चंद्रदीप के जिताना एकदम चंद्रदीप के जिताना छे अच्छा की लगे आपकी चंद्रदीप अगर जीती जीते बाल बच्चा हमरा के पढ़ी लिखी के बैठलो छे नौकरी चाकरी कहीं मिलिए नहीं रहलो छे
17 साल में 17 महीना में तेजस्वी करी देखल के की केना नौकरी होय छ। अच्छा हिन्नत नै छ चाचा कत्ता आदमी जाति के वोट दे दे छी? कोई जात पात नै, हां सब जातबे है, सब रंग का जात है यहां। नहीं कितना होता है हम ज्यादा ना ना हाँ। मैंने जात तात कोई बात नहीं है, सब जात दे रहा है वोट उसको। आपकी विकास होगा? हाँ की भी आपने केकरा देबे आपकी बार? लालटेन छाप। लालटेन छाप एकदम तीर छाप वाला भी रोड बनेलो छे। ओ गेले देखे नै छो ये ओकरे बनेलो छिए टूटलो जे ई आपकी ओकरा नै देबे वोट? ओकरा कहिए देतै नै जेते वे कथि लो तो फरु कहियो अपने सब अगर बयान नहीं दे छे जीती केनो जाय छे की करबो मोदी राज रे कुछ भी करे पड़े बाढ़ होब जे रात के कोर्ट खुले जे ओरा ले लिख की करबो ओकरो कुछ भी संभव छे। अच्छा मतलब की बार चंद्रदीप के जीतानो छे एकदम त की चाचा आपके केकरा वोट देबे अपना सब? चंद्रदीप के। चंद्रदीप के हां आ तीर वाला भी अपने बगलाई के तीर उरा बाप सब गेलै बुटला धैल जेते ओकरा दे देना छे वोट एकदम नै कुछ नै करने छे यहां। कल के दिनेश दिनेश यादव कल के अगर आपकी जीती जबे ना सरवर शाह सब डबल करवा नहीं नहीं जीते नहीं जीते हमें नहीं देबे तेजस्वी वोट तेजस्वी का हां कल के की आपकी तेजस्वी सब में नीतीश ने कल के आपकी बार 400 पार भेजते में सब पार हुए दो वॉइस कोई मतलब नहीं है हमें नहीं जा देबे वो करे सरकार बनना छे। हां तेजस्वी वोट देबे? हां एकदम खुले हम। अच्छा तेजस्वी का चाचा चाचा तेजस्वी वोट देवे तो अपना सब की में विकास करते है? जरूर विकास करते पहना थोड़े ना जे रहले मुख्यमंत्री वह में जब विकास दिखा दिल के जितला के बाद आरु की करते कहना मुश्किल छे। एनो तने छे चाचा अगर में ई दिमाग लगे ला त के 24 में चुनाव छे दे दे छे 2-4 करोड़ नो जगह रोजगार उ सब बात दे जो आदमी है वहने छे निष्पक्ष करे वाला वार किए छे जब बनते सरकार तो वह सब कुछ करते है देश के लिए कल करता है। हाँ चाचा केकरा वोट देवे? चंद्रदीप को देंगे। चंद्रदीप का? हाँ अथी वाला दिनेशो यादव से? दिनेश यादव का कोई काम नहीं हुआ बोला के ढेरी काम कर लगे जी नहीं ये जो है इनका पिता जो रवि बाबू है ना विकास का गंगा बहाया है उनका भी सपना है कि यहाँ मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से विकास का गंगा बहाएंगे। हाँ वो को काम नहीं किए हैं अभी जो भी काम हुआ है राजद से हुआ है काम। जी 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 हाँ हम लोग राजद को वोट देंगे और एक शिक्षित में है और पटना के वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं इनका सारा चीज है कि मेरे पिताजी जो किया है विकास का उस सपना को हम साकार करेंगे यही है हम चंद्रदीप को वोट देंगे। अच्छा उन्हीं को दीजिए जी क्या किरात में वोट अब की? देखिए इस बार की जो लड़ाई हम लोग जो जान रहे हैं जी चाहे अखबार के माध्यम से चाहे टीवी के माध्यम से या जिस भी माध्यम से जिस भी चैनल से हम लोग जब सुनते हैं तो देश के अंदर में मात्र दो ही धारा चल रहा है जी। हम जो अभी तक आकलन किए हैं एक धारा है समाजवादी का एक धारा बीजेपी का जो है वो जो उनका एजेंडा है एजेंडा में उनके एजेंडा में तो हम कुछ देख ही नहीं रहे। इधर घटक दल जो बनाया गया है इंडिया गठबंधन इसमें सारा एजेंडा है जैसे बेरोजगारी का सवाल हुआ महंगाई का सवाल हुआ जितना भी विकास का सवाल हुआ ये तमाम चीज इसमें दिया हुआ है। हम लोग इसको देख करके और ये जुमला जो कहता है हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई ये सब तमाम चीज ये कर रहा है नफरत की जो पैदा करवा रहा है इसके खिलाफ में हम लोग वोट करेंगे। हमारे गाँव का ये गांव जहां खड़े हैं हम ये भटगामा गांव जो देख रहे हैं 52 में सबसे पहला विधायक इसी गांव से बना था स्वर्गीय श्री तनकुलाल यादव जी हम लोगों के दादाजी थे वो और वो सोशलिस्ट पार्टी के समाजवादी धारा से वो चलते थे। यहाँ एक और नेता था कॉमरेड तारनी यादव वो सीपीएम के लीडर थे जो 1971-72 में उनसे डायरेक्ट फाइट था कांग्रेस पार्टी वाले से। तो ये गांव खास करके समाजवादी धारा से आता है इसलिए किसी को ये स्वीकार नहीं करता है जो काम करता है उसको ये वोट करता है। यहाँ का दिनेश यादव भी बोला हम बहुत काम किए आपके दिनेश बाबू मान्य दिनेश बाबू बहुत अच्छे लोग हैं ठीक है लेकिन अच्छे रहने से नहीं होगा आज जनता खोज रहा है काम हमको काम चाहिए
हमारा बेरोजगार है, वो आते हैं तो रोड के बाईपास होकर के वो निकल जाते हैं। पूछिए तमाम आदमी सब तो इंटरव्यू ले चुके कि कोई पहचान रहा है क्या, कभी किसी से बात किया है, किसी के समाज में आकर के बैठा है, दो चार बात किया हो, किसी से बात किया हो, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, वो तो कुछ नहीं देखते हैं दिनेश बाबू को। तो इसलिए दिनेश बाबू को हम लोग इस बार नकार दिया है, यहाँ चंद्रदीप यादव को भारी वोट से विजय बनाएगा जी, निश्चित आप लोग तय कर लिए हैं। किसको भैया वोट कीजिएगा? माननीय इंडिया गठबंधन को हम पहले धन्यवाद देते हैं जी, जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री काम किया है, विकास का भंडार बढ़ा है बिहार में, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार पलटी मार के उधर पलटी मार के इधर कर रहा है, काम नहीं हुआ। और 17 महीना में उप मुख्यमंत्री के पद पे रहने के बाद माननीय तेजस्वी जी ने उतना विकास किया जितना विकास नहीं होना चाहिए, विकास का भंडार बहाया है। माननीय इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से 375 सीट नोने के लिए इंडिया गठबंधन जा रहा है, और नीतीश कुमार जी को और सम्राट चौधरी को यहां से जिस तरह से रोहिणी के विषय में बोल रहा है उखाड़ के यहां से फेंक देना है, फेंक देना है। की चाचा आपने सब के ग्राफ की बार कर रहे हो, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए। एक ही आदमी इतने दिन से बिहार को पकड़ के रखा हुआ है, पुल पुलिया रोड से काम चलने वाला नहीं, नहीं। दिनेश बाबू के पास मुद्दा विहीन पार्टी में हुआ जी। मुद्दा नहीं है उनके पास, कोई एक भी मुद्दा नहीं, मुद्दा पर यहाँ वोट पड़ेगा। हम लोग समूचा गांव यहाँ से दिल्ली तक जिस तरह 60 वर्ष में सरकारी कर्मी रिटायर होता है, उसी तरह नौजवान को मौका दे मुख्यमंत्री। अब मतलब अपना उम्र हो गया कहा, मतलब 60 वर्ष में आप लोग कितना दिन काम करते हैं, उसी तरह रिटायर 80-85 वर्ष हो गया नौजवान का। डिजिटल इंडिया जब बनाए आप लोग, उसका मतलब क्या है? आपके पास क्षमता नहीं है, युवा के पास जो क्षमता है, नीतीश या मोदी हम लोगों के पास जो युवा के पास दौड़ पाएगा पहले बताइए। इसलिए हम लोग यहाँ से दिल्ली तक परिवर्तन का लहर चाहते हैं, यहाँ परिवर्तन है, जिसके पास मुद्दा होगा इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम लोग वोट देंगे। हम लोगों का है चंद्रदीप बाबू, उसको हम लोग यहाँ जिताएंगे, दिल्ली भेजेंगे, वहाँ से गद्दीप से जो है 80 वर्ष का उसको भगाएंगे, और उसके बाद परिवर्तन होगा, युवा को मौका मिलेगा, युवा अपना राज करेगा। कहीं लिखा हो संविधान में लिखा हुआ कि 60 वर्ष में सरकारी कर्मी रिटायर, उसी तरह नीतीश कुमार को मोदी जी को रिटायर होना चाहिए कि नहीं, तो काहे पकड़े हुए हैं? अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा विकास अब बढ़ा गया, अच्छा जाइए नौजवान सब कब जब जिस तरह एक परिवार में पिता जब बेटा बालिग हो जाता है तो कहता है अब करो तुम अपना काम, उसी तरह उनको भी चाहिए कि अपने मन से हट जाए, बेटे को धरा दे, तो काहे मर रहे हैं? बोलिए, गलती बोलते हैं, बताइए, होना चाहिए तो जिंदगी भर आप जब तक नहीं मरिएगा उसी पर कुर्सी पर मर जाइएगा कि दीजिएगा नौजवान को, तब ना डिजिटल इंडिया होगा। कहते हैं डिजिटल इंडिया, हम छोड़बे नहीं करेंगे कुर्सी को, बनेगा डिजिटल इंडिया, आपके पास क्षमते नहीं है, वोल्टेज कम हो जाता है, बॉल डिम हो जाता है, उसी तरह डिम हो गया आपका, आपके पास वोल्टेज है ना क्षमते न। आप तो नीतीश का कहना है पूरा बिहार हमारा परिवार, उसका कुछ सुनना ही नहीं है ना, आप मौका दीजिए, नौजवान आएगा अपना डिजिटल इंडिया होगा, नहीं तो डिजिटल इंडिया का नाम मिटा दीजिए, जब तक आप रहिएगा बेकार, डिजिटल इंडिया का नाम बेकार है। बोलिए, यहाँ परिवर्तन का लहर है यहाँ से दिल्ली तक, इंडिया गठबंधन में जो जो है जो पार्टी रहेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। वोट करते हैं।